मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हमने ताज़ी लौकी ली है, इसके एकदम नरम और सॉफ्ट है। इसके छिलकों को हमने उतार लिया है अच्छी तरह से। अब इसे हम बारीक कट करेंगे। छिलके को हमने अच्छे तरह से उतार कर इसे धो लिया था, देखिए। और उसके बाद हम इसे बारीक कट कर रहे हैं। इसी तरह से हमें सारे लौकी को बारीक कट कर लेना है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, इसमें वो भी बहुत कम तेल में बिना मसाले के बन जाती है और हमारे सेहत के लिए भी लाभकारी है। ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लौकी को बारीक काट लिया है, सारे लौकी को काट लिया है। अब तड़के के लिए हमने एक गांठ लहसुन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी दाने, एक हरी मिर्च, दो लाल मिर्च हमने ली है। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सारी सामग्री को डालेंगे। लहसुन हमारे अच्छी तरह से सारे फोरन जो है अच्छी तरह से हमारे गोल्डन हो जाए, तब इसमें हम लौकी को ऐड करेंगे। देखिए सारे हमारे कलर गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब इसमें हम लौकी को ऐड कर रहे हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे, अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसे हम धीमी आंच पर गलने के लिए छोड़ देंगे ढक कर। गलती जब हमारी पानी छोड़ने लगे तब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी हमारी पानी छोड़ दी है। इसे हमने मीडियम आंच रखा था क्योंकि ये सर्दियों की लौकी है, पानी ज़्यादा छोड़ती है। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो एकदम इसे लो लो पर बनाएं,
क्योंकि गर्मियों में पानी कम छोड़ते हैं लौकी। अब इसमें हम नमक मिला रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिलाएं और नमक कम ही डालें, क्योंकि जब लौकी हमारी गलेगी तो कम हो जाती है, बाद में नमक तेज हो जाएगा, इसलिए आप कम ही डालें। नमक को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, कई घरों में लोग हल्दी नहीं डालते हैं, पर आप हल्दी अवश्य डालें, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। अब इसके बावजूद दिखने में भी इसका कलर अच्छा लगता है। हल्दी को शुभ माना गया है, इसलिए आप हल्दी अवश्य डालें। थोड़ा ही डालें, किंतु हल्दी अवश्य डालें। इससे कलर सब्जी के देखने में अच्छा लगता है। हल्दी भी हमारी टेस्ट, सब्जी भी हमारी टेस्टी लगती है। देखिए, हल्दी डालने से इसके कलर किस तरह चेंज हो गया है। अब इसको हम मीडियम आंच पर इसी तरह ढक कर पकाएंगे, जब तक कि हम लौकी का जो पानी है सूख न जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लौकी अच्छी तरह से गल चुकी है और इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। अब इसे हम फूल आँच करके पानी को पूरी तरह से सुखा देंगे। ज़्यादा सारे पानी इसमें नहीं आना चाहिए। लौकी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, इसे हमने फूल आँच पर रख कर दिया है। अब इस पानी को हम पूरी तरह से सुखा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी हमारी बनकर रेडी है। इसको पानी को हमने पूरी तरह से सुखा लिया है अच्छी तरह से। इसे हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं। लौकी हमारी सॉफ्ट थी, इसलिए देखिए सब्जी गल कर हमारी थोड़ी सी हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बनकर रेडी है। यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।